आयोडेक्स अल्ट्राजेल। 2020 बैच के ट्रेनी आईएएस अफसर आज करेंगे सीएम योगी से मुलाकात। शाम 4 बजे होगी मुलाकात। इस दौरान मुख्यमंत्री दे सकते हैं ट्रेनी अफसरों को सफलता के मंत्र। गुड गवर्नेंस को लेकर आज उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे समीक्षा बैठक। दोपहर 12:30 बजे शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ होगी बैठक। पूर्व केंद्रीय संचार मंत्री पंडित सुखराम का निधन। सोमवार को दिल का दौरा पड़ने से हालत थी नाजुक। दिल्ली के एम्स में वेंटिलेटर पर किया गया था शिफ्ट। मुख्तार अंसारी के करीबी के खिलाफ एक और एफआईआर। कोर्ट के आदेश पर शकील हैदर सहित अन्य लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। वकील ने प्रॉपर्टी के नाम पर बुजुर्ग से की थी 14 लाख की ठगी। उत्तराखंड में लोगों को लग सकता है महंगी बिजली का झटका। बिजली दरों में 12.5% की हो सकती है बढ़ोतरी। यूपीसीएल की बैठक में पास हुआ प्रस्ताव। उत्तराखंड परिवहन निगम की 394 बसें ठेका सवारी में चलेंगी। मार्ग में वाहनों की कमी को देखते हुए बसों की मांग। ठेका गाड़ी नियम के तहत वाहन संचालन की परमिशन मिली। चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालु की मौत पर केंद्र सरकार गंभीर। पीएमओ के रिपोर्ट मांगने पर उत्तराखंड के स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप। वाराणसी एयरपोर्ट पर मास्क अनिवार्य। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एयरलाइन कर्मियों को भी गाइडलाइन का पालन करने के दिए निर्देश। वाराणसी में बढ़ रहे हैं कोरोना के केसेस। मंत्री समूहों की रिपोर्ट पर सीएम योगी के निर्देश। जन अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे विकास कार्य। नोडल अधिकारियों को दी जाएगी मंत्री समूहों की रिपोर्ट। यूपी कैबिनेट ने होम बार लाइसेंस को दी है मंजूरी। इसके लिए सालाना 12,000 रुपए शुल्क और 25,000 रुपए की सिक्योरिटी देनी होगी। कोई जमीन वापस पाने के लिए बसपा की नई रणनीति। अब नगर निगम में होने वाले चुनाव में बसपा लगाएगी ताकत। आगामी नगर निगम के चुनाव के लिए बसपा बना रही रणनीति। चंपावत उपचुनाव के लिए भाजपा ने जारी की है स्टार प्रचारकों की सूची। सीएम योगी का नाम शामिल, साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी का नाम भी शामिल। इलाहाबाद हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी। धार्मिक भावनाओं के जरिए कोर्ट को प्रभावित करना अच्छा नहीं। कोर्ट ने अवमानना याचिका को खारिज करते हुए की टिप्पणी। उन्नाव में सड़क हादसे का सीसीटीवी आया सामने। तेज रफ्तार कार कई लोगों को रौंदती चली गई। लोगों के रौंदने के बाद दूसरी लेन में पहुंची ये कार। एक शख्स की मौत, 6 घायल। हाथरस में हर्ष फायरिंग का वीडियो बनाना शख्स पर भारी पड़ा। आरोपियों ने हथियार के बट से हमला पर वीडियो बनाने के दांत तोड़ दिए। कासगंज के अमापुर इलाके में युवक से 6 लाख रुपए की लूट की गई है। सर्वेश यादव नाम के शख्स ने वीडियो जारी कर अपने साथ हुई लूट की जानकारी दी। बरेली के खटारा एम्बुलेंस भेजने पर जिला अस्पताल में महिला ने हंगामा कर दिया। महिला के हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राजधानी लखनऊ और आसपास के इलाकों में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश की वजह से लोगों को मिली गर्मी से राहत। चक्रवात आसनी को देखते हुए आंध्र प्रदेश में परीक्षाएं कैंसिल। आंध्र प्रदेश बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने आज आयोजित होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया। श्रीलंका में उपद्रवियों को देखते हुए गोली मारने के आदेश। पूर्व प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने नौसेना अड्डे पर ली है शरण। एक रिपोर्ट में दावा, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग गंभीर दिमागी बीमारी से हैं पीड़ित। इस बीमारी के कारण दिसंबर 2021 में उन्हें अस्पताल में होना पड़ा था भर्ती। चीनी कंपनियों की पाकिस्तान को चेतावनी। कहा अगर पाकिस्तान उनके 300 अरब रुपए नहीं चुका पाएगा तो वे बिजली सप्लाई बंद कर देंगे। पूरे पाकिस्तान में अंधेरा हो जाएगा। ट्विटर पर होगी डोनाल्ड ट्रंप की घर वापसी। एलन मस्क ने कहा है कि वे डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट को बहाल करेंगे। सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़। स्विगी ने अपनी सुपर डेली सर्विस को बंद करने का ऐलान कर दिया है। इसके पीछे कंपनी में हो रहे घाटे को प्रमुख कारण बताया गया। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन हरे निशान पर खुला शेयर बाजार। 150 अंकों की तेजी के साथ 54,515 के स्तर पर हुई सेंसेक्स की शुरुआत। निफ्टी ने 48 अंक की उछाल के साथ 16,288 के स्तर पर कारोबार शुरू किया।